नमस्कार, हिंदी ज्ञान वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ रुद्राक्ष का महत्व और रुद्राक्ष को धारण करने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष को जन कल्याण के लिए भगवान शंकर ने अपने असुरों से उत्पन्न किया है। रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। जो व्यक्ति किसी भी रूप में रुद्राक्ष धारण कर लेता है, उसकी समस्याओं का निवारण स्वतः ही होने लगता है तथा वह समस्त के संकटों एवं नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष के मुखों के अनुसार पुराणों में इसका महत्व तथा उपयोगिता का उल्लेख मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव का स्वरूप कहा गया है, जो सर्वश्रेष्ठ है। यह चैतन्य स्वरूप पारब्रह्म का प्रतीक है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता तथा जीवन में धन यश मान सम्मान की प्राप्ति होती रहती है तथा लक्ष्मी चीर स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती है। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक रोगों का नाश होने लगता है तथा उसकी समस्त मनोकामनाएं स्वतः पूर्ण होने लगती है। दो मुखी रुद्राक्ष। शास्त्रों में दो मुखी रुद्राक्ष को शिव शक्ति का स्वरूप माना गया है। यह मान सम्मान एवं बुद्धि को बढ़ाने वाला रुद्राक्ष है। इसे करने से मन में शांति तथा चित्त में एकाग्रता आने से आध्यात्मिक उन्नति तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिगुणात्मक शक्तियां समाहित होती है। यह परम शांति खुशहाली दिलाने वाला रुद्राक्ष है। इसे धारण करने से घर में धन धान्य यश सौभाग्य की वृद्धि होने लगती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनके लिए यह अत्यंत लाभकारी होता है। चार मुखी रुद्राक्ष को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। यह मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। जो सज्जन वेद, पुराण तथा संस्कृत विषयों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उन्हें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाले व्यक्ति की वाक शक्ति प्रखर तथा स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति अग्रणी हो जाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष को साक्षात परमेश्वर रुद्र का स्वरूप बताया है। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है एवं माला के लिए इसी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को किसी भी साधना में सिद्धि एवं पूर्ण सफलतादायक माना गया है। इसे धारण करने से जहरीले जंतु एवं भूत प्रेत व जादू टोनों से रक्षा होती है तथा मानसिक शांति और प्रफुल्लता प्रदान करते हुए मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों तथा रोगों को नष्ट करने में समर्थ होता है। छह मुखी रुद्राक्ष। इसे भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य की खोई हुई शक्तियां पुनः जागृत होने लगती है। स्मरण शक्ति प्रबल तथा बुद्धि तीव्र होती है तथा धर्म यश तथा पुण्य प्राप्त होता है। स्त्रियों के रोग के लिए छह मुखी रुद्राक्ष अति उत्तम है। सात मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से धन संपत्ति कीर्ति और विजय की प्राप्ति होती है तथा व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। इसके धारण से मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष अष्टभुजा देवी और देवों में प्रथम पूज्य गणेश जी का स्वरूप है। आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लेखन कला में निपुण और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, चित्त में एकाग्रता तथा मुकदमों में सफलता प्राप्त होती है। अष्टमुखी रुद्राक्ष अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों को भी दूर करता है। नवमुखी रुद्राक्ष नवदुर्गा तथा नवग्रह का स्वरूप होने के कारण अधिक फलदायक और परम सुखदायक है। इसे धारण करने से समस्त प्रकार की साधनाओं में सफलता प्राप्त होती है। यह अकाल मृत्यु निवारक, शत्रुओं को परास्त करने, मुकदमों में सफलता प्राप्त करने तथा धन यश तथा कीर्ति प्रदान करने में समर्थ है। दस मुखी रुद्राक्ष
दशमुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से सभी प्रकार के लौकिक तथा परलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। सब प्रकार के विघ्न बाधाओं तथा तांत्रिक बाधाओं से रक्षा करते हुए सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसे शिव तथा शक्ति का मिला हुआ स्वरूप माना गया है। यह प्राकृतिक रूप से वृक्ष पर ही जुड़ा हुआ उत्पन्न होता है। इसे धारण करने पर शिव तथा शक्ति की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। यह आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सफलतादायक है। इसे गले में धारण करने से सुख शांति मान सम्मान में वृद्धि होती है। दुख दरिद्रता आदि व्याधियाँ उस मनुष्य के पास नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद।